अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। कर्नाटक में 10 मई को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत से जीत हासिल करती दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस 118 सीटों से आगे चल रही है, जबकि कमल 72 सीटों पर ही थमा हुआ है। वहीं जेडीएस को महज 26 सीटों पर ही सब्र करना पड़ रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने जहां एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की है। कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपने अपने सीटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस ने बेंगलुरु के 5-स्टार होटल में 50 कमरे बुक किए हैं। जीते हुए विधायकों को रात 8 बजे तक होटल में पहुंचने के लिए कहा गया है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। जीत का जश्न मनाने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।